बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा आज का टॉपिक है जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अगर मजबूरी है कि हमें सिलेबस को शुरू कवर करना होता है, इसलिए हमें टॉप करना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ ब्रांचेस, और जैसे मैंने कह चुका हूँ कि ये बहुत मशहूर या बहुत आम क्वेश्चन में से नहीं है, लेकिन मजबूरी है। ओरिजिन ऑफ ब्रांचेस, इसमें कोई खास बहुत ही अहम पार्ट मौजूद नहीं है। हमने जिस तरह से ओरिजिन ऑफ लीफ स्टडी किया है, और जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ओरिजिन ऑफ या शूट एप सॉरी फ्लोरल एपेक्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ये बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, इनमें को बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस मौजूद हैं। ब्रांचेस आप समझते हैं कि मुख्तलिफ पौधों में, लोअर वेसल प्लांट हैं, हायर वेसल प्लांट हैं, या जस्ट प्लांट्स हैं, नॉन वेसल प्लांट्स, इनके अंदर जो ब्रांचिंग है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती है। आप ब्रांचेस के नेम से, क्योंकि हम ये टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ चुके हुए हैं, किसी को अगर याद हो मैं वो लफ्ज़ लिखे देता हूँ। जो एक लफ्ज़ था डाइकॉटमस ब्रांचेस, डाइकॉटमस, ये लफ्ज़ हम पढ़ चुके हुए जब हम सेमेस्टर वन में थे। किसी को याद है कि किस या किन पौधों में डाइकॉटमस ब्रांचिंग आपने स्टडी की थी? जी, ये आपने बताना है, ज्यादा भूल चुका है, आप बताएंगे। एनीवन हु रिमेंबर्स एनीथिंग अबाउट डाइकॉटमस ब्रांचिंग? सर एनजीएस प्लांट्स में जब किसने दिया जी, ईजा ने, आपका जवाब गलत है। इट इज सिलोटम, पहले का नाम है सिलोटम। ये हम सेमेस्टर वन में पढ़ चुके हैं। चूँकि ये एक और पौधा, टोटल दो तीन पौधे हैं जिनमें ऐसा है, बाकी वेस्टर्न प्लांट में, लोअर प्लांट में भी ये ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। सेकेंड, डाइकॉट्स ब्रांचिंग के बाद लफज है लेटरल ब्रांचिंग, लेटरल ब्रांचिंग। अब ये जो ब्रांचिंग है ये स्टेम के रेफरेंस है कि स्टेम की ब्रांचिंग कैसे होती है। ज़ाहिर ब्रांचेस उसमें अराइज करेंगी तो फिर ऐसा होगा। मुझे इसकी डायग्राम पहले ड्रा करनी पड़ेगी, जब डायग्राम ड्रा करूँगा तो ये जो मेरा बॉक्स है ये ज़रा गड़बड़ जाएगा, मैं इसलिए यहाँ पे दो लफ्ज़ और ही लगाऊँ। ये लफ्ज़ हम पढ़ चुके हैं शेर में मॉर्फोलॉजी में, मोनोपोडियल, और एक और लफ्ज़ हमने पढ़ा था सिम्पोडियल। ये लफ्ज़ आपको याद पहले से होने चाहिए, चूँकि हम ये ऑलरेडी कहीं और पढ़ चुके हुए हैं। ये इनका सबका ताल्लुक स्टेम की ब्रांचिंग के साथ है। मैंने लफ्ज़ सिर्फ इसलिए लिखती हैं कि आपको याद रहे कि ये क्या है, किस तरह से है जी। अब मुझे इसकी जो कि डायग्राफ ड्रा करना है, और आपको ऑलरेडी मालूम है कि डायग्राम ड्रा होनी है माउस के साथ, और माउस के डायग्राम जो ड्रा होती हैं खूबसूरत नहीं होती, माटी से डायग्राम्स होती हैं, लेकिन मजबूरी है। ये एक स्टेम शो किया मैंने, और यहाँ पे ये मैं एक लीफ शो कर रहा हूँ। दिस इज ए लीफ, अल्फा लीफ, और जहाँ ये स्टेम है, यहाँ पे लीफ के एक्सल में एक अदद बर्ड मैंने शो की है। दिस इज ए बर्ड, वो बर्ड्स जो स्टेम के ऊपर लीव्स के एक्सल में होती हैं उन्हें एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। मैं एक लिख रहा हूँ सिर्फ, दिस इज एन एक्सिलरी बर्ड। इस एक्सिलरी बर्ड, अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये स्टेम और लीफ के दरमियान में जो एंगल है वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे फॉर्म हुई है। एक्सिलरी बर्ड छोटी सी आउटग्रोथ की शक्ल में निकलती हैं, और इसमें जो यहाँ जो स्पेस है, जो सरफेस है, जिसमें कि अपर साइड पे ट्यूनिका और कॉर्पस कंसेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं, वहाँ के सेल्स डिवाइड करेंगे और एक छोटी सी बर्ड डिवेल्प हो जाएगी। अब डिपेंड करते हुए कौन सा मौसम है, आम ग्रोइंग सीजन में ये बर्ड एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक्जिलरी बर्ड जब डेवलप करेगी तो इट विल फॉर्म ए ब्रांच, और ये हमारा आज का एक टॉपिक भी है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। और ये जो ब्रांच डेवलप होगी ये लेटरल ब्रांच होगी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है लेटरल ब्रांचिंग वाली, ये वो लेटरल ब्रांच है जो इस तरह से डिवेल्प हुई है इस जगह पर। ये है जी एक टॉपिक, एक
वो पौधे जिनका जिक्र अभी पीछे मैंने यहाँ पे जिक्र किया, डाइकॉटस ब्रांचिंग, मैं वो डायग्राम भी दिखाता हूँ सिलोटो मिसाल के तौर पे। इसमें ये वो है जी, इसको अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पे सेल मौजूद है, ये सेल इसकी बात हो रही है टिप के ऊपर सेल, ये सेल इस तरह से डिवाइड होता है तो एक से दो सेल बन जाते हैं और फिर दोनों दो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, एक सेल इधर को और एक सेल इधर को डिवाइड करना शुरू करेगा और फिर उसके बाद ये प्रोसेस ऐसे होगा कि डाइकॉटमस ब्रांचिंग नजर आ जाएगी। ये इन पौधों के लिहाज से मैंने डायग्राम ड्रा कर दिया, दो डायग्राम्स हो गए। ये जैसे मैंने कहा था कि ब्रांच वेल्व हुई है और ये लेटरल ब्रांचिंग के लिए, दिस इज ए डायग्राम फॉर लेटरल ब्रांचिंग, जो लेटरल ब्रांच में डिवेल्प होती है वो इस तरह से डिवेल्प होती है। लेटरल ब्रांच की आगे टाइप में हमें उन टाइप्स में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहरहाल मैंने डायग्राम तो ऐसा ड्रा कर दी है। अब इसमें जो चंद अल्फाज आप कह लीजिए वजहत जो हो सकते हैं पॉसिबिलिटी, नंबर एक अगर हम लोअर प्लांट्स की बात करें, चूँकि जो मैंने मिसालें दी हैं हमें से मैंने सिर्फ सिलोटॉप का नाम लिया, मैं एक और एग्जांपल देने लगा हूँ ट्रेडोफाइट। ट्रेडोफाइटा ग्राम से वाकई में ट्रेडोफाइटा में बहुत से ग्रुप्स आ जाते हैं, एक तो ये वाला है सिलोटॉप वाला ग्रुप है सिलोफाइटा के नाम से, इसके बाद लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टीरोप्सिडा, इनके अंदर जो कि आप कह सकते हैं कि दे आर लोअर वेस्टर्न प्लांट्स, और उसके बाद जिम्नोस्पर्म है और फिर एंजियोस्पर्म है। ये जो लोअर प्लांट हैं जिसमें ये बात हुई है, आपने देखा कि यहाँ पे सिंगल सेल था जिसकी डिवीजन से ये सेल और फिर आगे ऐसे हुआ और फिर इसकी डिवीजन या ब्रांचिंग हुई है, चुनाचे ये ट्रेडोफाइटा के लिहाज से हुआ, क्योंकि एग्जांपल दी है मैंने सिलोटम की, लेकिन एक्चुअली इट इज सेम एज इन अदर ट्रेडोफाइट्स आल्सो सिंगल सेल से डिवीजन होकर ये डेवलपमेंट होती है। देखें चूँकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट है एंजियोस्पर्म्स, और एंजियोस्पर्म्स में इस तरह से डेवलपमेंट होती है जैसे यहाँ पे शो की गई है, यहाँ मैं एंजियोस्पर्म का देख देता हूँ, इट इज फॉर एंजियोस्पर्म। ये था जी एंजियोस्पर्म्स के हवाले से, और इसी में मैंने एक्सेलरेटर बर्थ के हवाले से इसकी जो है डिटेल आपके सामने रख दी है कि किस तरह से डेवलपमेंट होती है और किस तरह से न्यू टिश्यूज फॉर्म करती है। अच्छा, अब इसका दूसरा हिस्सा है कि जो सेल यहाँ डिवाइड करेंगे उनमें डिवीजन कौन सी होगी। हम इस बात से वाकिफ हैं कि आमतौर पर दो ही किस्म की डिवीजन हैं, एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल। जब भी कोई चीज़ डिवेल्प होती है तो उसमें यही दो तरह की डिवीजन होंगी। जो लेयर मौजूद है फर्स्ट की एक लेयर है सेल्स की, जब ये डिवेल्प करना शुरू करेगी तो जब ऐसे डिवीजन होगी तो एंटीक्लाइनल है, और जब ये डिवीजन इस एंगल पर होगी, जब ये इस एंगल पर होगी पेरिक्लाइनल, तो इसकी लेयर ज़्यादा हो जाएंगी और फिर ये ऊपर की तरफ एक उभार की शक्ल में हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये पेरिक्लाइनल डिवीजन के जरूरत इसका जो उभार है ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और ये नज़र आना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने जो लफ्ज मार किए थे, चूँकि हम उन लफ्ज से वाकिफ पहले से, चीनी का और कार्पस दो अहम और मशहूर लफ्ज हैं, इसमें जो फ़र्क रखते हैं कि पहली बात हो चुकी है कि कुछ पौधों में चीनी का बारीक है, कुछ में मोटी है। अगर बारीक होगी तो फिर कॉर्पस भी पार्टिसिपेट करेगी इसकी डेवलपमेंट में, और अगर मोटी हो तो ये सिंगल इससे भी। अगर तो ये सिर्फ बाहर से ट्यूनिका से डेवलप हो रही हो तो ये एक्सोजीनस डेवलपमेंट कहलाएगी, लेकिन कुछ पौधे जिनमें के कॉर्पस भी पार्टिसिपेट करती है तो उसको हम एंडोजीनस ग्रोथ का नाम दे सकते हैं। अब दो लफ्ज हो गए जी, एक्सोजीनस और एंडोजीनस, डिपेंड करते हुए कि वो पौधे कौन से वाले हैं, ट्यूनिका बड़ी है या छोटी है उस रेफरेंस से। ये दोनों अल्फाज मेजॉरिटी में एक्सोजीनस, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होंगे जिनमें एंडोजीनस, एंडोजीनस में कॉर्पस के साथ सॉरी ट्यूनिक के साथ कॉर्पस भी पार्टिसिपेट कर रही होगी और अंदर से वो डिवेल्प होकर बाहर को आएगी, उसको एंडोजीनस का नाम दिया जाएगा। ये है जी ऑल अबाउट इसकी डिवेलपमेंट के हवाले से बेसिक चीज़ें, और जी बस जी ये टॉपिक कितना था जी, और ये यहाँ पे कंप्लीट है। अब असली तौर पर ये एक क्वेश्चन था, शॉर्ट है तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन एज लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें बहुत कम कम ही हैं। यहाँ तो कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, वगैरह मुझे इसको स्टॉप करके अगले टॉपिक की तरफ जाना होगा, अगला टॉपिक सेपरेट हेडिंग है।
सेपरेट हेडेक के साथ है, टाइम हमारे पास है, अभी जी बिल्कुल हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक भी हो जाएगा। अगर आपको उसको क्वेश्चन है तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। यू हैव नो क्वेश्चन।